ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि बोट एडोब्स 391 वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो वक्त आ गया। हमारे पास है दी ऑल न्यू बोट एडोब्स 391। ये एक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है और इसकी एक्चुअल असली प्राइस है 2000, लेकिन मुझे पोस्ट बैंक ऑफर के बाद मुझे मिला था अराउंड 1600। काफ़ी सही डील है दोस्तों। अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह एक्साइटिंग गैजेट्स और स्मार्टफोन रिव्यूज आपके सामने लेके आता रहता हूँ। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा, उसके बाद ईयरबड्स को थोड़ा विस्तार से देखते कैन यू परचेज दिस और नॉट, और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, और प्राइस के हिसाब से डज इट वर्क रियली वेल, वो सब देखते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पैकेजिंग भी काफी कॉम्पैक्ट लगा दोस्तों। एज यू कैन सी दिस कम्स विद क्वालकॉम एप्टेक्स टेक्नोलॉजी के साथ आता है और कॉल नॉइस आइसोलेशन फीचर भी मिल रहा है। दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे हाइलाइट्स मेंशन किया हुआ है। बॉक्स को खोलने से पहले एक चीज बता दो दोस्तों, ये भी मेड इन इंडिया ईयरफोन है। बेसिकली बोट ब्रांड इसको इम्पोर्ट करके रीब्रांडिंग करता है इंडिया में। दैट्स दिस सैड न्यूज। अंदर पैकेजिंग थोड़ा सा बुरा लगा। आई फेल्ट लाइक सारे एक्सेसरीज इसमें डंप किया हुआ है। पहले इस तरह केस और ईयरबड्स देखने को मिलता है। यस, दिस इज ईयरबड्स नॉट ईयरफोन फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट छोटा सा टाइप सी केबल भी मिल रहा है एज यूजुअल। इसके अलावा एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी मिल रहा है और लास्ट में इस तरह गाइड्स और वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है इन अ नीटली पैक्ड कवर। बस इतना था बॉक्स में, नथिंग अनयूजुअल देखने को मिला था बॉक्स में। चलिए पहले केस की बिल्ड और डिजाइन से शुरू करता है। इट कम्स विद डल ब्लैक, ऐसा ग्लॉसी व्लॉसी नहीं लगता है देखने में, एंड इट इज नॉट एट ऑल स्लिपरी, क्योंकि एक तो ग्लॉसी नहीं है और दूसरा शेप्स जो दिया हुआ है केस पर वो आपको सही ग्रिप देता है। केस के ऊपर ऐसा क्विक रिसेट बटन या कोई फिजिकल बटन नहीं देखने को मिलता है। आगे की तरफ सिर्फ एक LED लाइट इंडिकेटर मिलता है और पीछे की तरफ टाइप सी स्लॉट है। केस को आप प्रॉपर 90 डिग्री तक नहीं खोल सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यू कैन डू अप टू 75-80 डिग्री खोल सकते हैं इस तरह। एज यूजुअल मैग्नेटिक सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों और सही से स्नैप हो जाता है अपने आप, जैसे आप देख सकते हैं उतना आसानी से नहीं गिरती है बाहर। अगर ईयरबड्स को थोड़ा क्लोज एंगल से देखा तो ईयर टिप्स ड्यूअल कलर स्टाइल में मिलता है एंड साइज वाइज इट इज मीडियम है दोस्तों, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, इट इज मॉडरेट ओवरऑल। और ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड है इसकी और थोड़ा तगड़ा भी लगता है मुझे पर्सनली। यह टच एरिया, उसके ऊपर लोगो भी लगा हुआ है एंड दिस सपोर्ट्स मल्टी टच ऑल्सो। ऊपर दोनों ईयरबड्स पर LED लाइट मिलता है और इस तरफ भी दोनों ईयरफोन्स पर माइक्रोफोन दिया हुआ है, सो आप सिर्फ एक ईयरबड भी यूज कर सकते हैं म्यूजिक और कॉलिंग के लिए। IPX4 रेटिंग मिल रहा है, वाटर स्पिल से या पसीने से प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। सो ओवरऑल केस की बिल्ड डिसेंट लगा, लेकिन ईयरफोन्स के बिल्ड क्वालिटी थोड़ा तगड़ा लगा मुझे। चलिए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अगर म्यूजिक परफॉर्मेंस के बारे में बात किया तो मुझे पर्सनली इसकी बेस बहुत अच्छा लगा। अगर इसको एयरपॉड से कंपेयर किया तो इट मैचेस एटलीस्ट 70%, पर्सनली मैं बता रहा हूँ उतना अच्छा है बेस, लेकिन ऐसा क्रिस्टल क्लियर बेस तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, इतनी कम प्राइस में वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। म्यूजिक क्वालिटी भी अच्छा है दोस्तों, प्राइस के हिसाब से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के इसको नहीं खरीदना चाहिए, बट ओवरऑल म्यूजिक परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा प्राइस के हिसाब से। लाउडनेस भी है, 75% से ज्यादा वॉल्यूम में आपको काफी डिस्टॉर्शन सुनने को मिलता है, सो एनीथिंग बिटवीन 50-70% वॉल्यूम में आपको सही परफॉर्मेंस सुनने को मिलता है। कॉलिंग के दौरान ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस किया नहीं, वॉइस उतना लाउड नहीं है लेकिन इट हैज डिसेंट लाउडनेस। क्वालकॉम का CVC टेक्नोलॉजी जो है इस ईयरफोन में वो सही से काम करता है। बेसिकली इट ट्राइज टू ब्लॉक सराउंडिंग नॉइस, जितना होगा उतना ब्लॉक करता है सराउंडिंग नॉइस को। गुड थिंग इज इंस्टेंट वेक फीचर है, थोड़ा सा लेटेंसी तो है बट दिस वर्क्स रियली रियली वेल। जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ केस की लिड खोलने से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, फिर क्लोज करने से डिसकनेक्ट हो जाता है। यस, देयर इज सम लेटेंसी बट इट वर्क्स रियली रियली वेल। टच कंट्रोल भी सही से काम करता है दोस्तों, ज्यादा प्रेशर लगाने का जरूरत नहीं, जस्ट जेंटल टच से काम करता है।
इनफैक्ट आप ईयरफोन्स को ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए बेसिकली आप 7 सेकेंड्स तक टच करना पड़ेगा, सो ईयरफोन्स टर्न ऑफ हो जाता है, सो दैट इट वॉन्ट कंज्यूम बैटरी, सो आपको काफ़ी स्टैंड बाई मिलेगा। क्वालकॉम का चिपसेट यूज कर रहा है और इसमें 6mm ड्राइवर्स मिल रहा है दोनों ईयरफोन्स में, और ब्लूटूथ 5.0 कनेक्टिविटी है। इट शुड वर्क रियली रियली वेल अंडर 10 मीटर्स रेंज विदाउट एनी इश्यू। गेमिंग के दौरान ऑलमोस्ट जीरो लैटेंसी मिलता है, इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी अच्छा था गेमिंग के दौरान, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए इसकी बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। हालांकि देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है ईयरफोन्स बता रहा हूँ, फिर भी आपको 4 आवर्स फ्रॉम 4 आवर्स टू 4.5 आवर्स बैटरी लाइफ मिल रहा है। मैंने सुबह से ऑलमोस्ट 3 आवर्स यूज़ किया होगा, आई एम श्योर अभी भी काफ़ी बैटरी बचा हुआ है इसमें, सो आपको एक डिसेंट बैटरी लाइफ मिल रहा है। और कंपनी क्लेम करते हैं कि इसमें केस से आपको 18 आवर्स तक बैटरी लाइफ मिलेगा, क्योंकि इसमें 400mAh बैटरी है, अगेन दैट इज ए डिसेंट बैटरी लाइफ। एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों, इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, अगर आपने 10 मिनट्स चार्ज किया तो आपको अराउंड 80-90 मिनट्स बैटरी लाइफ मिलता है, सो दैट इज ए रियली गुड साइन। सो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों इस प्राइस में आपको मार्केट में काफ़ी अच्छे ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स और ईयरबड्स मिल रहा है, ये भी एक सही ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है। आई थिंक दिस परफॉर्म्स रियली वेल ओवरऑल, बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी है, म्यूजिक परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बेस काफ़ी अच्छा है, और ईयरफोन्स के बिल्ड क्वालिटी वो भी अच्छा है। अगर आपको ये ईयरबड्स 1700 रुपीज़ में मिल रहा है तो आई थिंक दिस इज़ ए गुड डील, जस्ट गो एंड ग्रैब इट, स्पेशली CVC टेक्नोलॉजी वो सब मिल रहा है तो आई थिंक दिस इज़ ए गुड ऑप्शन, जस्ट गो एंड बाय इट। बस इतना है इस वीडियो में, चलिए मिलते हैं अगले बार।